2.0 फिल्म रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रजनीकांत और अक्षय कुमार की इस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आलम यह था कि गुरुवार को दक्षिण भारत में सिनेमाघरों के बाहर फैंस रात भर जुटे रहे। फिल्म को जिस तरह शानदार ओपनिंग मिली है उसके बाद माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। दोस्तों फैंस के एक्साइटमेंट का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि गुरुवार को रिलीज से पहले ही 12 लाख टिकट बिक चुके थे। ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला के मुताबिक टिकटों की इस तरह की एडवांस बुकिंग के मामले में 2.0 ने एवेंजर्स और बाहुबली को भी पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों ट्रेड एनालिस्ट के मुताबिक 2.0 ने पहले दिन ही वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ का बिजनेस किया। अभी तक आधिकारिक आंकड़े नहीं आए लेकिन एडवांस बुकिंग और दर्शकों के क्रेज को देखते हुए यह आंकड़ा कोई मुश्किल नहीं लगता। दोस्तों इससे पहले दिवाली के मौके पर रिलीज हुई आमिर खान की फिल्म टैक्स ऑफ हिंदुस्तान ने ओपनिंग डे पर लगभग 50 करोड़ का बिजनेस किया था। केवल देश ही नहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी 2.0 का क्रेज देखा जा रहा है। ऐसा कम ही होता है जब पाकिस्तान में किसी भारतीय फिल्म की इस तरह एडवांस बुकिंग हो। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सेंसर बोर्ड ने 2.0 को रिलीज के लिए क्लीयरेंस सर्टिफिकेट दे दिया। पाकिस्तान में ये फिल्म 75 थिएटर्स में रिलीज हुई है। दोस्तों रजनीकांत को केवल रजनीकांत ही टक्कर दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों 2.0 के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ट्रेड एनालिस्ट के मुताबिक 3 भाषाओं में रिलीज हुई 2.0 ने पहले दिन की कमाई के मामले में रजनीकांत की फिल्म कब्बाली को भी पीछे छोड़ दिया। कब्बाली ने पहले दिन लगभग 48 करोड़ का बिजनेस किया था। दोस्तों 600 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनी 2.0 उतनी ही कमाई कर सके इसके लिए मेकर्स ने भी बड़े कदम उठाए। सबसे पहले उन साइट को ब्लॉक करवा दिया जिससे फिल्म के लीक होने का डर था। मद्रास हाईकोर्ट ने 12,000 वेबसाइट को ब्लॉक करने के आदेश दे दिए थे। दोस्तों एक्टर विशाल इस टीम को हेड कर रहे हैं और उन्होंने राज्य सरकार को उन वेबसाइट की लिस्ट सौंपी है जिससे फिल्म लीक हो सकती है। ऐसा पहली बार हुआ जब इतनी सारी वेबसाइट को एक साथ ब्लॉक करने का आदेश दिया गया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।